आज हम लोग देखेंगे जो VFD होता है, VFD पैनल के अंदर क्या क्या लगा हुआ रहता है और वो कैसे काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है और आप लोगों के सामने जितने भी यहाँ पे VFD देख रहे हैं सब मेक जो है ABB कंपनी का मेक है, ठीक। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं दी इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका मॉडल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ABB का है, मॉडल टाइप जो है ACS 580 का है, ठीक है। तो पैनल के ऊपर क्या क्या रहता है एक बार देख सकते हैं। ऊपर में जो है जो VFD का टैग नंबर है, कौन सा ड्राइव है वो लिखा है, 18.5 किलोवाट का है, ओके। उसके बाद ये जो यहाँ पे एक है मेन इनकमर, ठीक है, MCCB मेन इनकमर, MCCB का स्विच है ये ऑन ऑफ करने के लिए। ये जो RYB जो सप्लाई आ रहा है उसका इंडिकेशन है, इंडिकेटर है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के सामने और एक है जो बोला जाता है इसको VFM मीटर, वोल्टेज एम्पियर फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हम लोग वोल्टेज एम्पियर फ्रीक्वेंसी कितने फ्रीक्वेंसी में चल रहा है ड्राइव वो हम लोग देख सकते हैं इस मीटर से, ओके। अभी हम लोग इसको जो बोला जाता है HMI, ठीक है, जो VFD है, VFD का जो स्क्रीन है यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग पैरामीटर देख सकते हैं, पैरामीटर डाल सकते हैं, ठीक है, सब कुछ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है कंट्रोल पैनल, इससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको HMI बोला जाता है, VFD की स्क्रीन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है इंडिकेशन दिया हुआ है VFD रेडी, VFD रन, VFD ट्रिप। VFD जब हेल्दी कंडीशन में रहेगा तो ये आएगा, मतलब अभी ये हैंडी हेल्दी कंडीशन पे है इसलिए VFD रेडी आ रहा है, ओके। अभी जो VFD रन, जब VFD चालू होगा तब ये रन इंडिकेशन आएगा, ओके। जब VFD बंद होगा, ट्रिप होगा किसी फॉल्ट से, तब ये ट्रिप इंडिकेशन आएगा, ठीक है। एक इमरजेंसी दिया हुआ है, एक सिलेक्ट्रिक स्विच दे के रखे हैं। तो इसका ऊपर भी इतना ही है और जो नीचे है ये कूलिंग के लिए दिया है, अंदर में अगर कुछ हीट होता है ना तो इससे बाहर निकल के लेने के लिए देके रखे हैं। इसका गैप है, ठीक है, स्टेप बाई है, ओके। इसका ओवर भी ऐसे यहाँ से देख सकते हैं, टोटली VFD है। अभी अंदर में देख सकते हैं, अंदर में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो मेन इनकमर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं जो मेन इनकमर ये वाला है, ठीक है, जो RYB है ये मेन इनकमर है। ये जो इनकमर है हम लोग को जो MCC पैनल है, MCC पैनल से आ रहा है, ठीक है, जो होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, वहाँ से मेन इनकमर यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए जो केबल जा रहा है आउटपुट ऊपर गया है, ये सीधा ना इसका पीछे से है, देख सकते हो वहाँ पे है, पीछे से पूरा यहाँ पे आउटपुट कहाँ आया, यहाँ पे आया इसका इनपुट पे, ठीक है। ये जो है MCCB एक ब्रेकर है, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए VFD को, यहाँ पे इनपुट आ रहा है, ठीक है। और इसका आउटपुट निकल कहाँ जा रहा है, इसका आउटपुट निकला है यहाँ से होते हुए यहाँ पे ना फ्यूज़ लगा हुआ है VFD के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकती है फ्यूज़ लगा हुआ है, HRC फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। और ऊपर 3 CT लगा हुआ है, आप लोगों को पता होगा CT की क्यों यूज़ करते हैं। CT जो यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, कितना एम्प्स में क्या चल रहा है, ठीक है। 3 CT लगा हुआ है, इसे पावर यहाँ पे आया। और हम लोग का जो मेन डिवाइस होगा ये इसको बोला जाता है VFD, जो होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ओके। उसका इनकमर कहाँ पे आया, जो फ्यूज से आ रहा था इसका अंदर में ये घुसा है, देखिए ये अंदर जा रहा है VFD के अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर चला गया VFD के अंदर। फिर VFD का आउटपुट देखिए, VFD का बाहर आउटपुट यहाँ से निकला है, ठीक है, ये आउट यहाँ से हुआ है, आउट होके यहाँ पे सीधा आया, अंदर में एक डिवाइस लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसको रिएक्टर बोला जाता है, ठीक है। इस साइड में जो आ रहा है VFD से आउट होके यहाँ पे इन हो रहा है, रिएक्टर का इनपुट इस साइड में हो रहा है, ठीक है। तो देखिए रिएक्टर का जो काम होता है, रिएक्टर जो होता है हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है, ठीक। और जो हाई वोल्टेज जो रहता है ना, मान लीजिए एक नॉर्मल वोल्टेज चल रहा है 415, तो उसके अंदर में मान लीजिए सडनली वोल्टेज बढ़ गया, तो जो वोल्टेज क्या होगा, जो वोल्टेज का स्पाइक जो होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और VFD का जो शॉर्ट सर्किट करंट है, हैवी करंट को वो कंट्रोल करता है रिएक्टर। बेसिकली रिएक्टर काम ये होता है हार्मोनिक रिड्यूस करना, वोल्टेज जो स्पाइक है उसको रिड्यूस करना, इस सब का VFD काम करता है। मान लीजिए आपका जो बिजली गिरता है ना, तब वोल्टेज बहुत हाई हो जाएगा, तो फिर हम लोग का VFD में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ये सब कंट्रोलिंग के लिए रिएक्टर लगाया जाता है, ठीक है, हार्मोनिक्स रिड्यूस करने के लिए, वोल्टेज को जो स्पाइक है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। रिएक्टर काम बेसिकली ये होता है। अभी देखिए रिएक्टर के इनपुट में चला गया, इसका आउटपुट क्या होगा, रिएक्टर का आउटपुट से यहाँ से होते हुए यहाँ पे जो है मोटर टर्मिनल आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये जा रहा है मोटर में, जो फील्ड में मोटर लगा हुआ है RYB मोटर में जा रहा है, ठीक है। इतना तो पावर हो गया, पावर कंट्रोल, ठीक है। अभी देखते हैं जो ये है कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर, छोटा सा ट्रांसफार्मर भी रहता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग को इंडिकेशन देना है, बहुत कुछ रिलेस ऑपरेट करवाना, तो फिर कंट्रोलिंग सप्लाई चाहिए ना, तो इसलिए कंट्रोलिंग सप्लाई है, ठीक है। कंट्रोलिंग सप्लाई का आउटपुट यहाँ से गया, जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे MCBs हैं,
ठीक है, ये जो है एमसीबी है, ये भी एमसीबी है, एमसीबी से बहुत सारे एमसीबी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, ये जो डिवाइस लगा हुआ है मैक जो है मसीवस का है, इसको बोला जाता है सिग्नल आइसोलेटर। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं सिग्नल एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, जो सिग्नल आइसोलेटर है बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका जो इनपुट सप्लाई जो रहता है ऑक्सिलरी जो सप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस को ऑपरेट करवाने के लिए, एसी या डीसी वोल्ट आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, और इसका इनपुट एक रहता है, जो इनपुट जो रहता है 1 से लेकर 5 वोल्ट तक 5 से लेकर 10 वोल्ट तक। ठीक है, इसका इनपुट रहता है और इसका रहता है क्या है 4 to 20 milliamps जो भी सिग्नल है आप लोगों के पास यहाँ पे दे सकते हैं इनपुट में। ओके, इसका इनपुट एक रहता है और आउटपुट क्या रहता है, आउटपुट इसका आपका 2 मिलेगा। आउटपुट 2 क्यों रहता है, देखिए क्यों क्या होगा, आपका जो फील्ड में मान ली कुछ एम्स दिखाना है, कुछ इंडिकेट करवाना है तो यहाँ से आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, और एक जो आउटपुट है वो आप लोग क्या क्या होगा डीसीएस में एम्स शो करवाना है। ठीक है, आईओ पैनल पे देना है, पीएलसी पे देना है। ठीक है, स्कैडा में देखना है क्या चल रहा है, कितना आरपीएम चल रहा है, तो ये वाला सिग्नल यूज कर सकते हैं, इसलिए दो आउटपुट इसका रहता है। ओके, और देखिए बेसिकली इसका काम क्या रहता है, जो सिग्नल आइसोलेटर है इनपुट सप्लाई जो हम लोग यहाँ पे देते हैं, अगर मान लीजिए इनपुट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, मतलब इनपुट में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया केबल का, कुछ जो ट्रांसमीटर से आ रहा है कुछ शॉर्ट हो गया कुछ हो गया, तो इसका आउटपुट में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। आउटपुट में जो केबल रहेगा, जो डिवाइस लगा हुआ रहेगा, इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तो उससे ये आइसोलेट करता है शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, मान लीजिए आउटपुट से कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है केबल शॉर्ट हो गया, तो इनपुट में से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे ना आइसोलेट करता है, इसलिए इसको बेसिकली इंसुलेशन सॉरी सिग्नल इंसुलेटर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली काम इसका यही होता है। ओके, हाँ, इसका और एक काम है क्या, देखिए जैसे कि मान लीजिए हम लोग इनपुट में जो 4 to 20 milliamps देते हैं या मिली वोल्ट जो 4 to 20 milliamps जो देते हैं या वोल्ट जो देते हैं, मान लीजिए इसका कुछ मतलब मिलीएम्स कुछ थोड़ा कम हो गया कुछ हो गया, तो यहाँ पे ना जीरो स्पैन हम लोग मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इनपुट में कुछ सप्लाई कम आ रहा है तो आउटपुट हम लोग को सेम चाहिए, तो हम लोग यहाँ से एडजस्ट करके दे सकते हैं कि आउटपुट में मुझे ना इतना मिलना चाहिए, तो आप लोग थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं जीरो स्पैन से। ठीक है, ये दो स्विच है देख सकते हैं, इसलिए है जीरो स्पैन। ठीक, अभी यहाँ पे जो है सीटी का शॉर्टिंग लिंक है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को पता होगा सीटी में हम लोग सेकेंडरी शॉर्टिंग करके रखते हैं, अभी तो लाइन पे है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है चेक करने तो हम लोग यहाँ से सीटी को शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्टिंग लिंक है सीटी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है फीडबैक के लिए, ऑन कमांड के लिए, पीएलसी के साथ ये कनेक्टेड है ना, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। और ये जो है साइड में जो आप लोग देख सकती है पूरा टीवी है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे टीवी है और ये भी सेम वही है मसीबस का है सिग्नल आइसोलेटर, इसका ऐसा ही काम है। ठीक है, और ये जो है एक बोर्ड दिया हुआ है, मान लीजिए इसका कुछ मतलब हम लोग यहाँ से कुछ सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, लाइट फाइट के लिए कुछ इसको मेंटेनेंस करना, क्लीन करने के लिए, कुछ टेस्ट फेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ पे आके मिलता है 230 वोल्ट। ओके, तो इसका इतना ही है ओवरव्यू। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक स्विच है, जैसे कि डोर जो ओपन करेंगे ना तो ये लाइट जलने के लिए यहाँ पे एक लिमिट स्विच देख रखे, लाइट अभी खराब हो गया इसलिए नहीं जल रहा है, तो ये आर आई पी अंदर का जो है जो लाइन का वो यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, उसका जो एच एम आई जो है बाहर जो लगा हुआ है ना उसका केबल एक्सटेंड करके यहाँ पे लगाया है। ठीक है, ये जो वी एफ एफ जो मीटर है उसका कंटिन्यू है, ये सी टी का आ रहा है, ए वन ए टू ए थ्री, और ये वोल्टेज का ही ऑक्सिलरी सप्लाई है। ठीक ना, और इसका जो ये है एन ओ एन सी इमरजेंसी का है, वी एफ ड्राइव रेडियो उसका जो आ रहा था ना इंडिकेशन है उसका है। ठीक है, बस इतना ही है वी एफ डी के अंदर, बेसिकली इतना ही रहता है। आशा करता हूं आप लोगों को पता चल गया होगा वी एफ डी के अंदर क्या क्या रहता है। तो ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद कुछ हेल्पफुल लगा हो तो कुछ काम का लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।